आज वर्ल्ड नो टोबैको डे है, ये 31 मई को हर साल मनाया जाता है। सबसे पहले ये 1987 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये शुरू किया और उसके बाद से ये हर साल 31 मई को मनाया जाता है। इसका मेन उद्देश्य ये है कि हम लोगों को अवेयर करें कि तंबाकू से होने वाले जो दुष्परिणाम हैं उसको अवेयर कराया जाए, जिससे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस तंबाकू को छोड़ें। ये ज़रूरत इसलिए पड़ी है कि तंबाकू से जो होने वाली जो समस्याएं हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। हमने बहुत सारे प्रोग्राम किए, बहुत सारी कोशिशें की, गवर्नमेंट ने बहुत सारे अपने मेजर्स उसके लिए यूज़ किए, लेकिन वो अभी तक कारगर नहीं है। ये लगभग 70 लाख लोग हर साल तंबाकू के सेवन से वर्ल्ड में डेथ होती है और उनमें से लगभग 10 लाख भारतीय हैं। तो ये समस्या बजाय घटने की लगातार बढ़ रही है। ये अपने कंट्री में लगभग 27 करोड़ लोग तंबाकू का सेवन करते हैं, ये बहुत दुर्भाग्य है। इसी तरह से अगर हम देखें, 3 में से 1 डेथ का कारण तंबाकू का सेवन करना है। अपने देश में ये आंकड़े आए हुए हैं, तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम तंबाकू को किसी भी तरह से कंट्रोल करें और तंबाकू को सेवन किसी तरह से रोका जाए, क्योंकि ये एक ऐसी परेशानी है जिसको हम आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं, सिर्फ एक ही उद्देश्य लेके अगर हम चलें कि लोगों को तंबाकू के सेवन से हम किसी तरह से रोक सकें। तो ये हमारा एक आज हमने प्रोग्राम भी किया है, लोगों को, हमारे जितने मरीज आए हैं उनको अवेयर किया है कि तंबाकू का वो सेवन ना करें और तंबाकू से होने वाली जो दुष्परिणाम हैं, काफ़ी मरीज हैं हमारे यहाँ जो इस समय आए हुए हैं जिनको कि तंबाकू की वजह से कैंसर की शिकायत हुई है। तंबाकू के से और जो दुष्परिणाम हो सकते हैं उनमें ब्लड प्रेशर की शिकायत होना, हार्ट अटैक की शिकायत होना, ब्रेन के स्ट्रोक होना, और इसके अलावा जो सांस के रोगी जो सिगरेट स्मोकिंग करते हैं वो बहुत आयत में हैं। इस बार जो थीम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में रखी है वो है कि टोबैको विद लंग प्रॉब्लम्स। तो लंग्स के ऊपर जो प्रॉब्लम्स होती हैं तंबाकू की वजह से, सिगरेट की वजह से, वो थीम इस बार हमने रखी है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, और साथ में सब लोग इस प्रोग्राम कर रहे हैं जिससे कि लोग अवेयर हों और तंबाकू का सेवन को छोड़ सकें।